आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सब? अभी कुछ ही दिनों में आपके ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे, है ना? तब तक घर में बैठना है, स्वस्थ रहना और मस्त भी रहना है। पढ़ाई कर रहे हो ना, या हॉलिडे एंजॉय करते हुए बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन घर में बैठो, है ना? तो आज हम मैं आपको आपको क्या लगता है कि मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी? मैं आज आपको एक गाना सिखाऊंगी। अरे आपको अलग लगा होगा ना कि आज टीचर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आज गाना सिखाएंगे, वो भी फिल्म का गाना मैं आपको सिखाऊंगी। पसंद है ना आपको फिल्म के गाने? ओके, आपको गेस करना है वो क्या है, मैं अभी आपको नहीं बोलूंगी, उससे पहले मेरे प्रश्नों के कुछ आपको उत्तर देने हैं। ओके, अभी आप घर में बैठे हैं तो कितनी देर तक आप खाना खाते हैं या सोते हैं या पढ़ाई करते हैं? तो उसके साथ साथ आप आपकी माता जी की मदद करते हैं कुछ कामों में आपके हिसाब। अभी आपका जो लेवल है, छोटे मोटे काम, अगर मम्मी खाना बना रही है तो फ्रिज में से उसको सब्जी निकाल के देना, ऐसा कुछ छोटे छोटे जो आपके लेवल के काम होते हैं वो आप कर सकते हैं, है ना? तो मेरा आपको ये सवाल है कि आप घर में काम करते हो अभी, छोटे मोटे मदद काम, मीन्स मदद पापा की या मम्मी की या आपके छोटे भाई की, हाँ, कुछ ना कुछ काम आपको करते रहना है। और जब आप विद्यालय जाते हो तब आप अकेले खेलते हो या सबके साथ मिलकर खेलते हो? मतलब किसी का स्वभाव होता है कि नहीं बाबा, मैं बैठ के खेलूंगा, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना है। लेकिन जो मजा सबके साथ खेलने में आता है, वही मजा अकेले बैठ के या अकेले खेलने से आता है क्या? नहीं आता है। तो आपने किसी की कभी मदद की है? मतलब आपके लेवल की कोई कभी पेंसिल नहीं लाता है तो आपकी पेंसिल दे देते हो उसको? इस छोटे प्रकार की मदद आपसे अपेक्षित है, लेकिन मदद करना वो समय पर मदद करना बहुत ही जरूरी है। एकता से काम करने पर क्या होता है? एकता में मिलजुल कर रहना, सबका साथ देना, सुख में उसके साथ तो हम रहते ही है, लेकिन जब वो अभी दुखी है तो उसकी सांत्वना, सांत्वना मीन्स अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप धीर धरो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, आपकी अभी पेंसिल गुम गई है क्या? ओके ठीक है ना, किसी को बुरा तो लगता ही है किसी की कोई चीज अगर ये हो गई है तो, हाँ, लेकिन वैसे ही रोते हुए बैठना है क्या? क्योंकि सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, तो सबके साथ हमें मिलजुल कर रहना है। और सभी को कैसा काम करना है? अच्छा काम करना है, सबकी मदद करनी है। मतलब ये जो मेरे अभी पूर्व ज्ञान के मैं आपको प्रश्न पूछ रहे हूँ, ये प्रश्न से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, है ना? तो मतलब टीचर बार बार बोल रहे कि मिलजुल कर रहो, सबका साथ दो, सहयोग दो, हाँ, सुख दुख में उसके साथ रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है, अभी क्या है उससे पहले मैं क्या करूँगी, आपको एक क्या करूंगी, गाना सुनाऊंगी। ओके, वो गाना क्या है आप देखिए अभी। काम कर रहे हैं, देखो अच्छी तरह से देखना, मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो
पैदा करते चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा करते चट्टानों में राहें। साथी हाथ मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो अभी ये गाना सुनकर आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया ना ये गाना कौन सा है? यस, तो अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी, वो आप देखिए। ओके, अभी ये आपको लग रहा है कि टीचर हमारे साथ क्या कर रही है, कुछ मिलजुल कर बातें करने की कोशिश कर रही है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, तो आज के हमारी कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इसके ये प्रश्न अभी मैंने आपको पूछे हैं। तो इसके कवि है साहिर लुधियानवी, और ये जो साहिर लुधियानवी जी थे ना, ये बहुत महान क्या थे, गीतकार थे और गायक भी थे। तो इन्होंने बहुत सारे गाने फिल्मों के लिए लिखे हैं। जो अभी मैंने आपको गाना दिखाया ना, वो भी एक फिल्म का गाना है, उस फिल्म का नाम था नया दौर। ऐसे बहुत सारे गाने उनके फेमस हो गए थे, और अभी भी वो गाने आप अगर आपके माता पिता से पूछोगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से उनके मुँह में आते होंगे ये गाने। आप पूछो एक बार साहिर लुधियानवी जी कौन थे, आपके माता पिता को भी मालूम है। तो मैं थोड़ा उनका कविचय परिचय आपको बोलूंगी। साहिर लुधियानवी जी का पूरा नाम था अब्दुल हई साहिर। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना पंजाब के एक जागीरदार घराने में हुआ था। उनके बहुत सारे प्रसिद्ध गीत हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार है, आना है तो आ, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। जैसे कि मैंने बार बार आपको बोल रहे हो ना, इनके गाने बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे, बहुत ही सबके मुंह में ये गाने आपको दिखेंगे। तो ये अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, ये गाना भी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रकार कुछ ये गाना था, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मतलब ये गाने इस प्रकार के है ना, तो मुझे वो गाए बिना रहा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको ऐसा गा के बता रही हूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, मन रे तू काहे न धीर धरे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ऐसे बहुत सारे उनके महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गीत थे, और उनके बहुत सारे कविता संग्रह थे, उनमें से कुछ है तखलियां और परछाइयां। ये बहुत बड़े महान गायक और गीतकार थे, तो उनको बहुत पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए थे। 1958 में उन्हें औरत ने जन्म दिया साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। गीत जो वादा किया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप, ये जो गाना है ना, वो भी बहुत फेमस गाना था, और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था। और पद्मश्री किसके लिए मिला था उनको, कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला था। और इस महान हस्ती की मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 में मुंबई में हुई थी। अभी हम कविता शुरू करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, मतलब यहाँ कवि हमें कहना चाह रहे कि साथी में सबके साथ मिलकर,
हाथ बढ़ाना मीन्स एक दूसरे की मदद करना, बोझ मीन्स भार। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपके सामने एक पिक्चर है, आप उसमें देख सक रहे हो कि लोग यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक के हाथ से एक दूसरे को टोकरी ले रहे हैं, सबकी मदद करते हुए काम कर रहे हैं, ब्रिज यहाँ एक ब्रिज का काम चल रहा है। तो अकेला व्यक्ति काम करते हुए क्या होता है, थक जाता है। अगर एक घर में बहुत बड़ी फैमिली है, मैं आपको घर का उदाहरण दूंगी, घर में अगर बहुत ज्यादा व्यक्ति है, अगर आपकी अकेली मम्मी ही काम करते हुए रही तो उसको काम करने में, अगर से 6-7 लोग है घर में और सब बैठे हैं और आपकी मम्मी अकेली काम कर रही है, तो क्या उसको ऑब्वियसली 7 लोगों का खाना पकाना है तो उसको क्या होगी, देर लगेगी ही। लेकिन सब ने थोड़ा थोड़ा, एक ने सब्जी बनाई, एक ने रोटियां बेली, दूसरे ने कुछ और रायता बनाया, ऐसा अलग 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 सबने बांट लिया, तो क्या होगा, बहुत सारे आइटम भी बनेंगे और खाना टेस्टी होगा और जल्दी होगा और एक किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो कभी हम यहाँ वही कहना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन हमें यदि हम उसका साथ दे तो उसकी थकान दूर हो सकती है। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, और हम जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, उस क्या करते हैं, परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, मिलकर कदम बढ़ाया है और सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वत और सागर को भी हम पार कर सकते हो। सागर और पर्वत कैसे होते हैं, समुद्र बहुत गहरा होता है और बड़ा होता है, पहाड़ ऊंचा होता है, लेकिन कवि का मानना ऐसा है कि हमने अगर मिलजुल कर काम किया तो हम सागर में भी रास्ता बना सकते हैं और पर्वत को पार करके हम जा सकते हैं। तो क्योंकि फौलादी है सीने अपने, देखो फौलादी है बाहे, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहे, साथ ही हाथ बढ़ाना। कितनी सुंदर कल्पना है, देखो हम क्योंकि हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है, हम चाहे तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें एक दूसरे का साथ देकर अपना काम करते रहना है। ओके, यही पहले पैराग्राफ में कवि ने कहा है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक है साथी अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने साथी हाथ बढ़ाना। क्योंकि क्या है, मेहनत हमारा भाग्य है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, यही हमारा जीवन सवारती है। देखो क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो आप वैसे बैठोगे, बैठो फिर काम नहीं करना है तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए हमें मेहनत करके काम करना जरूरी है। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, अरे कुछ ना कुछ, आप सपोज अभी मुझे कुछ काम करना है लेकिन मुझे करना है, ओ नहीं बाबा मेरे से नहीं होता, अरे नहीं होता सीखो करो, लेकिन करना जरूरी है और नया नया काम सीखना भी जरूरी है। गुलामों के दिनों में गुलामी, जब गुलामी कब थी, जब अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर राज किया था, तब क्या किया हमने, हम क्या बने, गुलाम बने, और उस दिनों में हमारी मेहनत का लाभ किसने उठाया, दूसरों ने उठाया। देखो हमने जब मेहनत की तो हमारी मेहनत का लाभ किसने उठाया, गैरों ने, गैरों की खातिरदारी की मीन्स, क्योंकि वो अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, तो आज हम आजाद है और अभी तो हम क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अभी हमें, तो आज हम आजाद है और हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का द्वार खोलेगी। मतलब मैं अभी आजाद हूँ, मेरे पास सब कुछ है तो मैं अभी काम नहीं करूंगी, ऐसा चलेगा क्या, ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए तो आपको काम करते रहना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करने हैं, सबके साथ रहना है, मिलजुल कर सबकी मदद करनी है, तो ही आपकी तरक्की होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हमारा सुख दुख एक है, क्योंकि
आप सुख दुख एक क्या एक साइकिल है, चक्र की तरह है, वो तो क्या आते रहता है जाते रहता है, लेकिन उसे अभी मैं सुखी हूँ तो ऐसा ही बैठूंगी, दुखी हो तो रोते हुए बैठूंगी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। काम करते रहना चाहिए और हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक क्या करना है, चलते रहना है और पहुंचना भी है, बस चलते रहना है लेकिन पहुंचना है, इसलिए तो परिश्रम करना जरूरी है ना। तो इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना है। देखो बार बार कभी हमें कहना चाहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन साथ रहकर काम करो। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, और एक से एक कतरा में से एक पानी की बूंद, एक छोटी सी पानी की बूंद से क्या बनता है, सुंदर उदाहरण दिया है। देखो बन जाता है दरिया, जब एक एक बूंद मिलकर नदी बन सकती है, दरिया मीन्स नदी, वैसे ही एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा मीन्स धूल का एक कण, उससे क्या बनता है, बन जाता है सहरा, सहरा मीन्स रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट बोलते हैं ना, मतलब धूल 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 के बहुत सारे कण मिलकर क्या बनता है, रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, राई मीन्स सरसों, सरसों का तेल आपको मालूम होगा, और जो आपकी मम्मी खाना बनाते समय जो स्वादिष्ट पकवान बनाती है ना, उसमें वो तड़का लगाती है एक अच्छे से, तो खाना टेस्टी बनता है। और जो छोटी से आपने अगर देखी होगी तो ब्लैक कलर की वो राई होती है, तो एक एक वो राई मिलकर क्या बन सकती है, पर्वत, पर्वत मतलब उदाहरण दिया है कवि ने हमें, इतना छोटा छोटी चीज भी कितने काम की होती है वो कवि हमें यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो एक से एक सरसों या राई मिलती है तो क्या बन सकते हैं, हम पर्वत बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, तो बस ये सब मिलके अगर एक एक बूंद मिलकर क्या बनती है, नदी बनती है, एक धूलों के कण मिलके राज रेगिस्तान बन सकता है, छोटे छोटे राई के टुकड़े मिलकर क्या बन सकता है, पर्वत बन सकता है, तो हम क्या है, इंसान है। तो यदि एक एक इंसान मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत बना सकते हैं, और वो तो हमारा अधिकार भी है ना, लेकिन बस इसके लिए केवल साथ मिलकर चलना है और काम करते रहना है। यही हमारी कविता समाप्त होती है। तो अभी मैं इस कविता का सार आपको बोलूंगी। साथ ही हाथ बढ़ाना एक मशहूर फिल्म सॉन्ग भी है और साहिर लुधियानवी द्वारा यह लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया था जब देश का निर्माण हो रहा था। जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ना, जब गैरों की हमने खातिरदारी की तो ये तो अभी तो हम स्वतंत्र है, ये कवि ने कहा है ना, तो उसके बाद ये गीत लिखा गया था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है और कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र कैसा है, चलते रहता है, आता है जाता है, लेकिन हर परिस्थिति में हमें हमारी मंजिल तक क्या करना है, उसकी ओर बढ़ना है और काम करते रहना है, क्योंकि दुनिया में हर बड़ी चीज छोटे छोटे चीजों से ही बनी है। समझ में आया? तो देखो अगर आपके पास क्या है, साहस है, आत्मविश्वास है, काम करने की लगन है, एकता से काम करना है, सहयोग भावना और दृढ़ संकल्प है, तो आप सत्य की राह पर चलते हुए मेहनत करिए तो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। ओके, तो आज की हमारी गतिविधि है कक्षा में हाव भाव के साथ गीत को प्रस्तुत करना है। जो हमने शुरुआत में आपने गाना सुना वो गाने की लिंक मैं आपको भेजूंगी, वो गाना आपको सुनते रहना है और कक्षा में या मुझे रिकॉर्ड करके आपको हाव भाव के साथ वीडियो मुझे भेजना है। और आपका गृह कार्य रहेगा एकता में बल, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। जैसे कि इस कविता में हमने सीखा कि एक दूसरे का साथ देना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, सबकी मदद करनी है, सहायता करनी है, तो सहायता एक दूसरे के साथ रहकर जो काम करने से क्या फायदे है, तो एकता में बल है इस विषय पर आपको
अनुच्छेद लिखकर मुझे भेजना है। धन्यवाद।